फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब अपने घर पर अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके सामने फूड ब्लॉग। तो आज मैं यहाँ पर खाने के लिए आई हूँ होटल लेडीकेसी में। तो कुछ थाली ट्राई करने के लिए आई हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रेडिशनल थाली मिलता है, तो चलो मेरे साथ और ट्राई करते हैं कैसा है। एकदम वीडियो अच्छे से आपको दूँगी, पूरा वीडियो देखना अच्छा लगेगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। तो चलो रेस्टोरेंट के अंदर। तो फ्रेंड्स, पहले ना आप सब देख लो लोकेशन। तो देख सकते हैं आप लोग, ये रहा गणेशगुड़ी ब्रिज। गणेशगुड़ी ब्रिज का ऑपोजिट साइड में आपको मिल जाएगा होटल डेलीकेसी। सामने बहुत सारे दुकान मिल जाएगा आपको कपड़े का। फिर आपको ये देख सकते हैं आप लोग, ये स्टेप 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 ऐसे एक पोस्टर है साइड में, यहाँ पर लिखा है होटल डेलीकेसी। फिर आपको मिल जाएगा होटल डेलीकेसी। देख सकते हो यहाँ पर भी लिखा है यार होटल डेलीकेसी। तो चलो रेस्टोरेंट प्रॉपर ट्रेडिशनल लुक, असामीज लुक पे ये डेकोरेट किया है। तो फ्रेंड्स, क्यों ना हम लोग पहले होटल घूम ले। तो चलो आप सबको मैं दिखाती हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि ये होटल का बारे में मुझे सजेस्ट किया अपनी सिस्टर ने, वो मेरे साथ ही आए। देख सकते हो वो रहा मेरा सिस्टर। हम लोग आए थे एक्चुअली दूसरे काम के लिए, तो उसने बोला एक होटल जहाँ पर मैंने पहले लंच किया था, तो चलो आज वहाँ पर ट्राई करके तुम्हें खिलाते हैं और तुम्हें अपना दोस्तों को भी दिखाना। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैंने आज आया इधर और आप सबको दिखा रही हूँ। तो आप लोग बताना कैसा लगा ये होटल। तो मुझे तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। इन लोगों का डेकोरेशन पूरी ट्रेडिशनल लुक में इन लोगों ने डेकोरेट किया, और बहुत स्पेसफुल है ये होटल, आप लोग देख ही सकते हो। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलो खाना भी कैसा है वो भी देख लेते हैं। फिर फ्रेंड्स, ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर मतलब जब राइस सर्व करने से पहले ये कुछ देते हैं। देख सकते हो आप लोग, कुछ ये सूप का जैसे देते हैं, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है। मतलब पहले क्या है ये, क्या क्या है ये? वेजिटेबल सूप। हाँ, वेजिटेबल सूप है। पहले सूप खाने से ज़्यादा खाना खा सकते हैं क्या? ऐसा कुछ मतलब पहली बार मुझे मिला कि रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए आया हम लोग और हमें सूप सर्व किया। मैंने ऐसा किसी रेस्टोरेंट पे नहीं देखा आज कल। तो देख सकते हो, तो मैंने खा के देखे। और ये आ गया हमारा सामने अचार, बैम्बो का, बैम्बो सूप का अचार। और ये मैंगो, ये सब मिक्स अचार है ये। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप लोग, मेरा राइस का थाली आ गया और इतना सारा आइटम आ गया। आप लोग सोच रहे हो शायद मैं इतना सारा मैं खा पाऊंगी कि नहीं। डोंट वरी यार, मैं असामीस हूँ। असामीस लोग भात का भुटुआ होता है, मतलब भात बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तो उस वो मैं खा सकती हूँ इतना सारा। तो पहले आप लोगों को दिखा दूँ मेरे सामने क्या क्या है, तो आप लोग देख लो। पहले तो इसे बोलते हैं ब्लैक दाल, जो असामीस लोगों का बहुत ज़्यादा ही फेवरेट रहता है। और ये साग भाजी है, तो देख सकते हो आप लोग। और ये है खीर, आप लोगों को तो पता ही है शायद इसका बारे में। और ये रहा दाल, प्लेन दाल नॉर्मल। और ये रहा खार, असामीस लोगों का ट्रेडिशनल खार एक सब्जी रहता है। और ये रहा एक भाजी। और अभी दिखाने वाली हूँ आप लोगों में पोर्क करी। ये बनाया ओटेंगा के साथ। ओटेंगा पता है ना आप सबको, एक असामीस टेंगा रहता है जिसे ओटेंगा बोलता है। तो चलो खाना शुरू करते। तो मैंने शुरू कर ही दिया, तो मैंने पहले खाया ब्लैक दाल के साथ। मुझे तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा ब्लैक दाल के साथ। और अभी साग के साथ खा के दिखा, तो साग मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ठंडा हो गया। और अभी खा रही हूँ मैं खार के साथ, तो खार के साथ खा के दिखती हूँ। तो ये तो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है यार। और अभी खा रही हूँ मैं प्लेन दाल के साथ, तो प्लेन दाल का टेस्ट भी बताती हूँ आप सबको। यार ये भी ठीक ही है, अच्छा लगा मुझे यार। मतलब घर पे जैसे मम्मी लोग बनाते सेम वैसा ही। और अभी खा रही हूँ तरकारी के साथ, जो मतलब मिक्स वेज बनाया उन लोगों ने, तो ये भी अच्छा ही था, मुझे अच्छा लगा। और अभी खा रही हूँ जो बनाना फ्राई किया उन लोगों ने बेसन के साथ, ये भी बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगा मुझे।
ये रहा हमारा पॉर्क जो मैंने ओटिंगा के साथ ऑर्डर किया था। तो देख सकते हो आप लोग यार कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। तो चलो जल्दी से जल्दी ट्राई करती हूँ। और पॉर्क किस किस का फेवरेट है कमेंट करके ज़रूर बताना यार। आप सब कमेंट नहीं करते हो यार मेरे वीडियो को, अच्छा नहीं लगता क्या देखना? आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना मुझे कैसा लगा, तब ना मुझे पता चलेगा आप लोगों को कैसा लगता मेरा वीडियो देख के। तो पॉर्क के साथ तो मुझे बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगा यार। आप लोग भी कभी ओटिया के साथ पॉर्क ट्राई करना, ये तो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था। इतना सारा कुछ खा लिया तो मीठा खाना बनता है ना फ्रेंड्स। तो लास्ट में खा रही हूँ खीर। इन लोगों ने खीर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाया और ये जोहार राइस का था खीर। खाना खा लिया, अभी जा रही हूँ घर। तो कैसे लगा वीडियो कमेंट पे बताना, और पूरा होटल कैसे लगा बताना, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो आप सबको कैसा लगा ज़रूर कॉमेंट करना, और अच्छा लगा तो आना यहाँ पर ट्राई करना खाना खाने के लिए। अच्छा ही है खाना, मुझे अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अच्छे रहो और वीडियो देखते रहो, प्यार देते रहो मुझे। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करो और साइड में बेल आइकन क्लिक करना मत भूलना, तभी मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। बाय बाय, लव यू।